सीधा घर पहुंचाओ, सीधा घर। और यहाँ पे इन्होंने नशा केंद्र खोल दिया है। मैनू चढ़ गया, चढ़ गए। Guys, welcome back to a new vlog. My name is Vinayak Kapoor and I am an MBA grad at IE University. So, आज का दिन मैं अपने best friend के साथ, जैसा आपको मैंने पहले बताया था, इसका नाम चिराग है, इसके साथ मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही खास जगह जो इंडियंस के लिए यूरोप में काफ़ी फेमस है। आपको मैं उधर जाके आपको बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, आज का हमारा क्या प्रोग्राम है। सी यू लेटर। गाइस आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, कि पहली तो चीज़ टर्मिनल 2 है और दूसरी चीज़ देखो कि वो अपना डॉग एयरपोर्ट के अंदर ले आया है। आप अपने डॉग को यूरोप में, ये बहुत अच्छा है, एनिमल फ्रेंडली है, और अपने डॉग को आप ऐसे ही लेके आ सकते हो विदाउट यू नो इंसर्टिंग एन इंजेक्शन, उसको सुलाने के लिए या किसी चीज़ के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं, आप सीधा लेके आ सकते हो। और मैड्रिड ड्यूटी फ्री यहाँ पे भी है टर्मिनल 2 पे, और टर्मिनल 2 टर्मिनल 4 से बहुत बड़ा है, तो अपनी फ्लाइट्स सबको चेक करके इधर आना। हम आ गए यार आर्मस्ट्रांग का शिपोल एयरपोर्ट, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये पार्क बना हुआ है और यहाँ पे पार्क के अंदर ही देखो जो पेड़ वेड़ आर्टिफिशियल क्रिएट करे गए हैं, वहाँ पे आवाज़ें भी प्रॉपर अगर आपको आ रही हैं ट्रीज़ की और बर्ड्स की, तो ये देखिए इधर। और यहाँ पे देखिए स्लीपिंग पॉड्स हैं बने हुए सबके लिए, इसका ट्रांसलेंस सोना है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला पार्ट। सामने पूरी बुशेज वुशेज क्रिएट करी हुई हैं, यहाँ पे आगे देखो पूरा का पूरा इतना सारे वो हैं प्लांट्स ही प्लांट्स हैं यार, सही है। और यहाँ पे खाने का भी है, कैफेज है, तो KLM का क्राउन लॉन्च भी है साथ में, तो काफ़ी अच्छा लगा इसमें। ये एयरपोर्ट को काफ़ी बढ़िया वेल स्ट्रक्चर्ड बनाया हुआ है। ये आवाज़ें सुनिए, पता नहीं अभी आएंगी, देखा आवाज़ आई ना, ये ऐसा सीन है। और ये देखो यहाँ पे क्राउन लॉन्च एम्स्टरडम एयरपोर्ट का। तो गाइस अब हम आ गए हैं शिपोल एयरपोर्ट से एम्स्टरडम मेट्रो के अंदर। ये एम्स्टरडम की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है और ये रखी है हमको हमारे बीच के एम्स्टरडम सेंट्रल तक लेके जाने के लिए अराउंड 4.5 यूरो का टिकट है। मेरे हिसाब से ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के रिस्पेक्ट से काफ़ी चीप है। और जो कैनाल्स आ गए हैं यहाँ पे, इतने अच्छा व्यू है एम्स्टरडम, इसके लिए बहुत फेमस है यहाँ पे व्यूज और ये कैनाल्स और ये सब काफ़ी ज़्यादा है। और ये ट्रेन नॉर्मल मतलब बहुत फास्ट ट्रेन है, अराउंड 130 की स्पीड में चल रही है बीइंग अ मेट्रो ट्रेन। तो गाइस हम यहाँ पे आए हुए वैंगो, ये लियोनार्डो दे रॉयल होटल करके कुछ है यहाँ पे, ये हमने इस agoda.com से बुक करा था, बट आपको मैं रेकमेंड करूँगा agoda.com से आप बिल्कुल भी मत बुक करो, हमको उससे सेम प्राइस पे दे दिया। बट agoda.com जो है वो अलग अलग मतलब वेबसाइट से होटल्स बुक करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ कुछ होटल्स हमारे इंडियन कार्ड की वजह से कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि वो डिक्लाइन में जाते हैं RBI गाइडलाइंस की वजह से। सेम मेरे फ्रेंड के साथ सेम प्रॉब्लम, उसने अपने कार्ड से बुक करा, बट ये होटल बहुत अच्छा है, आई वुड रेकमेंड यू टू स्टे हियर, इट्स वेरी लाइक इट्स बिट आउटस्कर्ट्स ऑफ एम्स्टरडम बट इट्स अ गुड होटल, इट्स लाइक अ 4-star 3-star प्रॉपर्टी एंड आई वुड रेकमेंड यू टू कम हियर। बट agoda.com से आप बिल्कुल भी होटल्स मत बुक करो। इफ़ यू वांट टू बुक अ होटल आउट हियर, बुक इट फ्रॉम bookings.com या कोई और वेबसाइट, बट agoda से मत करना। और यहाँ पे जितनी भी बाइक्स हैं ये आपको रफली 7.5 यूरोज में मिल जाएंगी और आप एक्सप्लोर कर सकते हो ये, बट थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में, तो आई वुड रेकमेंड आप डे पास ले लो मेरी तरह 4 यूरो का, और आप डे पास से पूरा एम्स्टरडम सेंट्रल घूम सकते हो। दीज आर द ट्राम्स इन एम्स्टरडम, और ये जो ट्राम्स है ये सिमिलर टू फ्रांस की ट्राम्स है, यहाँ से आप ट्राम्स भी ले सकते हो, बस लेनी तो बस राइड भी ले सकते हो, पर ये सब कुछ आपके डे पास में इंक्लूडेड है। और 15 से 20 मिनट में अगर आप आउटस्कर्ट्स में रह रहे हो तो आप एम्स्टरडम सेंट्रल पहुँच सकते हो, और वो सस्ता पड़ेगा आपके, कम से कम 200 से 300 यूरो बच सकते हैं यहाँ पर, बड़ी आराम से। तो गाइस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है रुक्स म्यूजियम, ये वैन गो म्यूजियम के एकदम पास में, और इधर देखो क्या बढ़िया फूल लग रहे हैं यार, मज़ा आ गया। और फिर सामने आपको टिकट कैनाल क्रूजेस का शॉप मिल जाएगी। वन पीस ऑफ एडवाइस, आप यहाँ पे टिकट्स पहले से प्री बुक करके आओ, क्योंकि वैन गो म्यूजियम और रुक्स म्यूजियम कोविड के बाद बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो जिसकी वजह से अब बिल्कुल भी टिकट्स अवेलेबल है नहीं। और ये देखो टेस्ला, बट अभी हम जा रहे हैं हाइनिकन का एक्सपीरियंस करने, मेरे साथ मेरा दोस्त गुप्ता साहब, हेलो ये भी है, तो हम सब अभी जा रहे हैं उधर, हमने टिकट्स ऑनलाइन बुक कर लिए थे, हाइनिकन एक्सपीरियंस ज़्यादा स्पेस है तो जा सकते हैं। हाँ एक्चुअली में
तो ये मेन कनाल है, आगे चलते हैं। तो ये आपके सामने मेन कनाल आपको दिख रहा है जो एम्स्टरडैम में मेन फोटो में आता है। और काफ़ी अच्छा इधर मतलब वाइब्स है, अगर आप इधर आओ तो कनाल राइड कर सकते हो। और काफ़ी पुरानी कनाल्स हैं एम्स्टरडैम की। ये मुझे रास्ते में यहाँ पे होर्डिंग मिली है, बिलबोर्ड मिला, फाइंड अ जॉब यू लव, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो गाइस आपको जो सामने दिख रहा है ये हाइनेकन एक्सपीरियंस। ये हाइनेकन ब्रूरी पहले होती थी, अब ये ब्रूरी है नहीं, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। तो बहुत डिफरेंस है एक एक्सपीरियंस होने में और बहुत डिफरेंस है एक ब्रूरी होने में। और इसका जो टिकट है वो रफली अराउंड 21 यूरोज़ का है। तो मैं आप अंदर जाकर ब्लॉक करना अलाउ हुआ तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा। अगर आपको यहाँ पर आकर टिकट अपना बुक करना है तो आप ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक टिकट 21 यूरो का है, 22 अप्रैल मैंने सेलेक्ट करा, मैंने टाइम सेलेक्ट करा 6:30, नेक्स्ट स्टेप पे गया, मेरा 21 यूरोज़ आया, यहाँ पे कंटिन्यू पेमेंट करा और यहाँ पे आके आप अपना कार्ड अपना प्रेस करना है और यहाँ पे टिकट आपको प्रिंट हो सकता है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और आप यहाँ पे आके भी कर सकते हो, पर यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अभी हम सबको यहाँ पे ऐसे रुकवाया हुआ है, वेलकम टू हाई हो पैनिकिंग करा हुआ है। यहाँ पे सारे ग्रुप्स हैं और आगे भी ग्रुप्स हैं, तो पहले उस ग्रुप को जाने देंगे फिर हमारे ग्रुप को। बट मैं रिकमेंड करूँगा पहले से टिकट बुक करके आओ, क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा इधर क्राउडेड हो चुका है। ये हम आ गए हैं हम हाइनेकन एक्सपीरियंस के अंदर आके, हमारे साथ थोड़े से लोग आ रहे हैं, पूरी ग्रुप है सबके साथ। welcome to the Heineken experience everyone, just gather around here please, I'm going to be telling you a little bit more about how the tour is going to work and also about what we see in this room around us. देखो यार यहाँ पर क्या बढ़िया बैरल्स हैं, ये पहले पूरी फैक्ट्री होती थी और अब इन्होंने इसको पूरा एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया है। ये पहली ब्रूरी थी 1867 में, सबसे पहली बार बनी थी, ये सबसे पहली ब्रूरी थी हाइनेकन की। सोच के देखो अब तो कितनी फेमस हो गई है। देखो यहाँ पे साली बारले जो आती थी पम्पटॉप होती थी और यहाँ पे ऐसे सेलोज में आती थी जो रूफ पे होते थे इनके, तो ऐसे सेलोज होते थे पुरानी गाड़ियाँ जिसमें जाते थे सारा ट्रांसपोर्ट होते थे। देखो ये प्रीमियर बियर पुरानी बियर, आज की बोतलें ऐसी ऊपर से ऐसी आती है ना, ये सबसे पुरानी है लेकिन बॉटल की। और देखो उसमें आज की बॉटल की टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। This is because back in the day, Heineken did not bottle the beer themselves. So they would just brew it and ship it in barrels to these smaller local companies who would then take care of the bottling and the distribution of the beer. So you could open it up by hand and place the bottle inside and then close it back up all by hand. So as you can see, it was very manual back in the day. But still, it was pretty revolutionary at the time. You could fill about 7,200 bottles in a day using one of these machines. क्या बात कर रहे हैं? क्या बोल रहा था चिराग? इसका मालिक क्या होगा? घणों पैसे हुआ था। अरे यहाँ पे वो करते ना, इनी मीनी माइनी मो, कैरेट डोंकी बाइट मो, डोंकी डाइट फादर ग्रैंड, इनी मीनी माइनी मो। चलो हिस्ट्री में चलते हैं, माइनी मो का है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। नहीं हिस्ट्री कोई इंटरेस्टिंग नहीं होता भाई, अरे चलना हिस्ट्री देखते हैं यार। अच्छा इनी मीनी माइनी मो करा, वी नीड टू फॉलो इनी मीनी माइनी मो। तो ये हमारे एंटरप्रेन्योर थे, बेस्ट क्वालिटी उनका यहाँ पे एग्जिबिट लिखा हुआ है, यहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ हैं काफ़ी सारी, यहाँ पर उनका सारा पुराना सामान वामान हुआ हुआ है। देखो यार क्या बढ़िया है, अर्ली हाइनेकन बॉटल। यहाँ पे साइंस एंड बियर अपने लेबोरेटरी में डिस्कस करते थे, चिराग कह रहा था ये बोंग लग रहा है। इसका मतलब मुझे नहीं पता, बट ये मास्टर्स ब्रूअर्स ये हैं, ये उनके कपड़े होते थे पुराने। देखो यार क्या बढ़िया, मतलब ये तो किचन किंग का मालिक नहीं पहनता। हाइनेकन की पुरानी है, क्लासिक टैंकर टिपिकल 19th सेंचुरी की। ये देखो इनका सारा वो है, कॉपर टूल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो हाइनेकन बियर बॉटल है जो पुरानी होती थी 1939 की, मार्केट की कैसे प्रोड्यूस करते थे वो सारा है, बाड़े वगैरह निकालते थे इसमें से। ये कॉपर का वो है अंदर का, ये ड्रम्स हैं जो हाइनेकन बियर, और ये सब कुछ है यार इधर, कितना बढ़िया लग रहा है ये पूरा। ये अलग वाटर मार्क और यहाँ पे उसके टूल्स,
ये हाइनेकन लोगोज ओवर द इयर्स कितने सारे सही सही लग रहे हैं यार, और सिंपली द बेस्ट 1995 का प्रेस्टीज एडवर्टाइजर ईयर अवार्ड जो हाइनेकन को मिला था वो है। देखो यार ये कितनी पुरानी बने यहाँ पे बॉटल है, 1870 हाँ 1900 में ये थी, फिर 1930 में ये थी, अबे 55 साले देख नहीं चुके 84 की ये बॉटल थी। देखो यार 84 में अच्छा यहाँ प्रिंटेड हाँ नाइस, और देखो 1994 में ऐसी थी बॉटल सामने से, और उसके बाद अब 2013 में उसका फाइनल चेंज है। ये दीदी कुछ बता रही हैं, पता नहीं क्या बता रही हैं। ये नॉट रियल है। First and foremost, I want to talk to you about the water we use. Now, before I tell you about the water, I want you guys to tell me what percentage of Heineken beer is water. 75. 75 higher. 80 higher. 90. 90 higher. 95. Yes, 95%. Here's where I get a little closer, just so the people in the back have a. So, a Heineken beer is 95% water, so... 95% water, right? Right? No. Nah. Responsibly. Right? No. After hours. Right? So, yes, 95% water is our beer, but we don't just use any water. We want our water to be clean and purified. So we take it through a purification process known as reverse osmosis. Now, I'm not a biology major, so I can't tell you how that exactly works, but it purifies the water, that's all you need to know. But we don't just purify this water for our beer, but we consider local communities when we do purify this water. So we purify the water for the local communities to have clean water as well. So second is barley. So before the barley actually becomes effective, we need to take it through a process. There's three main stages of preparing our barley. The first stage is to germinate the barley. What does that mean? Well, we put the barley into water and we let it soak. Roasting it, we roast it just enough so it has that nice, nice golden color that when you will look later at your glass, you will see that nice, beautiful golden color, right? And it also helps with the taste of the beer. Finally, we grind up the barley. We grind it up so we can release those starches from inside the barley, because without those starches, we can't convert them into sugar, right? So we grind up the barley and we release those starches. Get back to that. I want to talk to you about the hops. So the hops, as you can tell, is a plant, right? A beautiful plant. You can see right there on that picture. It grows to be 8 to 10 meters high. But it doesn't just only grow to be high, but it also grows really fast. It grows about 30 centimeters a day, which is pretty fast, right? No other plant can really do that. But we don't use the entire plant. More specifically, we use the female bud of the plant. Now, you may recognize this from another plant that's legal near Amsterdam, right? But this doesn't get you high, so don't try and smoke it, alright? This is responsible for many different reasons in the beer. The first, and I would say the most important, is that it contains a natural preservative. This natural preservative is known as lupulin. And what does this preservative do? Well, nice and simple, it extends the shelf life of the beer, making it last fresher for a longer amount of time. But it doesn't only keep it fresh while it's bottled, but it also keeps it fresh when it's poured. These hops help with the head of the glass, in the beer glass. That head are air bubbles that is produced by the hops. No, it's not CO2, but it blocks the CO2 that's coming out from the beer from being released, keeping the beer fresh for a longer amount of time. Also, lastly, you may know Heineken to have a nice bitter aftertaste, right? The hops are also responsible for giving it that nice bitter aftertaste. So those are the hops. They're just a simple plant, right? Smell like roses. You guys can take a look at them later if you want. But yes, smells good, right? Smells like roses. So those are the hops. And last but not yeast, we have Heineken A yeast. Now, this isn't just any yeast, this is A yeast. What does that mean? It's formulated in this special way that only a couple master brewers know what is really
made up of it, right? I'm not one of those people. Maybe I will be one day, but for now I'm going to simply explain to you what is the responsibility of this yeast. So just like any other yeast, we want to put this yeast into the final solution. So it goes around and eats the sugars, converting them into alcohol, right? Because that's what we want in a Heineken beer. And CO2. तो खैर यहाँ पे अंदर ब्रूरी के अंदर आके जो पुराने सबसे पहली फैक्ट्री के वो साइलोज होते थे वो ऐसे होते थे, ये देखो यहाँ पे, और अलग अलग उन्होंने होलोग्राफिक वो बनाया हुआ है पहले से, ये देखो ये अलग ही सीन है यहाँ पे, ये मूव करने का मशीन का अंदर का ये रहा, फिर इसके अंदर यहाँ पे देखो ये होलोग्राफिक है, यहाँ पे कुछ अलग बना दिखा रहे हैं, फिर उधर और हैं, अगर आप जाओगे इसके अंदर से यहाँ पे कंट्रोल्स भी इनके पड़े हुए हैं, यहाँ से पूरा बाहर का भी व्यू दिखता है इधर से, ये देखो फिलहाल राइट के पास का, ये देखो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा पूरा, चलो नीचे चल के देखते हैं, नीचे चल के कुछ अच्छा शायद से मिल जाए, यहाँ पे गैस चेंबर आ रहे हैं सारे, ये अलग यहाँ पे टेस्ट करने के लिए बियर का यहाँ पे है, यहाँ पे कंटेनर है, बाल हेल्थ ऑफ द ब्रूअर, ये सारा हेल्थ है, यहाँ पे देखो ये सारा प्रोसेस बताया हुआ है, मैशिंग होती है, फिर लॉटरिंग होती है, फिर बॉइलिंग होती है, फिर फर्मेंटिंग, फिर आपका दिख नहीं रहा यार, फिर बैजरिंग, और फाइनली फिर बॉटलिंग होती है, और यहाँ पे इनके फॉर्मर स्टेबल्स थे उसके अंदर, इसकी यहाँ पे स्टेबल्स होते थे, यहाँ पे सारे हॉर्सेस आके खड़े होते थे जो बियर लेके जाते थे ऐसे इस तरीके से, हम यहाँ पे एक रूम के अंदर आए हैं यार, कह रहे हैं यहाँ पे ड्रग लेके आओ या दारू पी के आओ तो फायदा है, स्क्विड गेम्स लग रहा है, स्क्विड गेम्स नहीं यार, बहुत मस्त है एक्सपीरियंस, पूरा ग्राउंड शेक कर रहा है यार, नीचे भी लाइट्स है, बॉटलिंग पैकेजिंग सब दिखा रहे हैं, सीधा घर पहुंचाओ, सीधा घर, सीधा घर, अरे कहाँ जा रहा है, इसे घर बुलाओ, घर पूरी पेटी घर है, सेम यार यहाँ पे देखो बैठने का पूरा बनाया है इन्होंने, अंदर आके बैठो, या हेलो श्रेष्ठ तो जाएगी भाई,
that golden collar because we actually hear about him. Finally! The second part is listening to your beer. Now you can't listen to it. No, it doesn't work. Our parts are weird. Peelo mujhe, peelo. The second part is actually smelling your beer. Sorry, no beer? Smell it. Yes, okay. Second thing is actually smelling your beer. Beer kya bol rahe? Beer keh rahe peelo mujhe, peelo. Haan, cheers karenge na. Aroma. Hey, raha nahi jata. Tadap hi aisi hai na. So you're probably thinking, maybe you don't even understand me. I don't know. You're probably thinking, I want to actually dive into the beer and actually drink it. We first say Prost, which actually means cheers. Just like that. We say Prost. So on the count of three, on the tip of your lungs, I want you to scream Prost with me. 3, 2, 1. यहाँ पे हाइनेकन एक्सपीरियंस अंदर जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे अपना बॉटल के ऊपर अपना नाम भी लिखवा सकते हो, तो बॉटलिंग एक्सपीरियंस है, तो लाइव बॉटल्स आ रही है और अपना नाम लिखवा सकते हो बियर के साथ भरे हुए बॉटल योर ओन। हाइनेकन की तरह आप आके देखो, ये सारी बॉटल्स हैं। मेरे हिसाब से नाम लिखवाना कोई फ़ायदा नहीं है। दो बॉटल्स पर 5 यूरो का लग रहा था और एक बॉटल पर 6-6.5 यूरो का लग रहा था, उसका मुझे कोई पॉइंट नहीं लगा। यहाँ पर बाकी बॉल रूम है, पार्टी रूम उसको बनाया हुआ है, अंदर आके आप देखोगे तो सेम। यार यहाँ पे बहुत अच्छा सीन है, अगर आपने टोकन वोकन लिया है ना जो आपको रिस्टबैंड के साथ मिलता है, उसके साथ में आपको अलग अलग टाइप की इनकी जो हाइनेकन की बियर्स हैं वो सब मिल जाएंगी। तो आप मान के चल लो, जैसे मेरा ये टोकन था, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को एक और रिस्टबैंड मिल गया था, तो इसके अंदर ये ऐसे टोकन लगे हुए हैं, इसमें एक टोकन एक बियर, दूसरा टोकन दूसरी बियर। कैसी लग रही है बियर? नाइस, इनका फ्रेशेस्ट बैच। एक बार क्या हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश है, काफ़ी बहुत ज़्यादा फ्रेश है, मतलब आप एक कलर से देख सकते हो कितनी फ्रेश दिख रही है ये, बहुत ज़्यादा फ्रेश है। चीयर्स, सैल्यूट। यार हम आपको दिखा देते हैं पुरानी, कितनी पुरानी, कम से 100-150 साल पुरानी जवान है, और यहाँ पे इन्होंने नशा केंद्र खोल दिया है। यार भाई क्या कर रहे हो यार, ऐसे वो आ रही है पास, हमारी गलती है। अरे हमें चढ़ ये बहुत मजाक कर रहा है, वो ऐसे मजे ले रहा है, ऐसा कुछ अच्छा नहीं है सीन, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप इधर आओ तो ये एक्सपीरियंस करो, बियर वियर पी सकते हो यार, 21 यूरो दिए तो कम से कम मैं तो कहता हूँ 5-6 बियर पी के जाना। यहाँ के आपको अगर आके बोट राइड करनी, कैनाल राइड करनी, तो यहाँ पर आकर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बोट राइड है यार, और काफ़ी अच्छा व्यू है। मेरे हिसाब से शाम के समय अगर आप आके करो तो ज़्यादा बेटर है। और ये सबसे बढ़िया चीज़, ये आपके एकदम हाइनेकन ब्रूरी के सामने है। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है यार। स्टार्ट वहाँ से ही हो रही है, वहाँ पे है। गुप्ता साहब बताइए कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगा एक्सपीरियंस? जगह तो बहुत ही क्रेजी है यार, आई एम सीरियसली लविंग इट। अच्छा, मज़ा आ रहा है आपको इधर एम्स्टरडम की गलियों में? मैं कसम से नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर रोड्स हैं और इंडिया से तो काफ़ी अमीर लोग लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। हाँ, सुबह से अभी तक मैं कम से कम 20 स्पोर्ट्स कार देख चुका हूँ, स्पोर्ट्स कार पर्टिकुलरली। बाकी आप पीछे देख लो तो मर्सिडीज 2 खड़ी हैं एंड लोकल्स भी यहाँ पे। यार यहाँ पे देखो सीगुल्स कितनी सारी है यार, ये देखो कितनी प्यारी प्यारी नॉर्थन हेमिस्फीयर की जा रही हैं। अच्छा बाय द वे, गुप्ता साहब जा रहे हैं नॉर्वे, इनको बोलो व्लॉग करने के लिए कमेंट्स में, अगर आज व्लॉग्स करने के लिए तो बोलो इनको व्लॉग्स करने के लिए। गालियाँ नहीं भाई, गालियाँ नहीं, कर देगा कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। हाउस बोट है, कसम से आ जाते ना ये जमुना पार वाले लोग। तुम कश्मीरी